अज़मीमनशिन्म बसमिल्लर रहीम असल क्लास फोर्थ ईयर कैसे हैं सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे आज का हमारा लेक्चर जो शुरू होता है जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था तारफ़ हदीस हमने पढ़ा था कि हदीस क्या है फिर उसकी हदीस की एग्जाम पढ़ी थी जैसे कौली फैली और तकरीरी फिर हो जाते हदीस का कि हमारी ज़िंदगी में हदीस की क्या अहमियत है फिर उसके कुछ पॉइंट्स पर थे कि किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हदीस अहमियत रखती है फिर आज हम आगे हम पढ़ते हैं कि साहबा कराम का क्या तर्ज अमल था हदीस के हवाले से सबा कराम जो थे साहबा किसे कहते हैं हजम सिस नहीं इंसान ने ईमान की हालत में आप सलील वसम को देखा हो उन्हें साहबा कराम कहते हैं जी अब देखते हैं हम खुलफ़ा राशद का क्या था हदीस के हवाले से खुलफ़ राशद भी हदीस को यही अहमियत देते थे जिस तरह से हज़रत मोहम्मद वसलम ने बयान की उसी तरह से वो की अदीस पर अमल करते थे सबसे पहले हजरत बकर सदीक जो खलीफा अवल हैं हजरत बकर सदीक के दर्ज अमल को अगर हम देखें तो उनके सामने भी जब कोई मामला पेश आता था तो सबसे पहले वो कुरने पाक की रोशनी में उस मसले का हल तलाश करते फिर अगर कुरने पाक की रोशनी में अगर उनको ना मिलता उसका हल तो सुनत रसूल की रोशनी में तलाश करते फिर बाज़ात ऐसा होता है कि अगर सुनत रसूल के आपके पास कोई मौजूद ना होती तो आप रज़ी तैयार हो ऐलान करवाते हैं कि अगर किसी के पास इस मामले पर कोई हदीस या कोई बात का कोई कॉल वगैरह है तो वो आकर उनको सुना दे तो लोग आपके पास जमा होते तो आप आपको हदीस बयान करते तो हजत अब्बकर सदीक तो तशक् के तौर फर, पर पर यह फरमाते कि खुदा का शुक्र है जिसने हमें ऐसे लोग पैदा किए जो हमारे नबी की सुनत को याद रखते हैं फिर खलीफ़ा हज़रत उमर का तर्ज अमल देखें तो उमर का तर्ज अमल भी इस बारे में जिस तरह से हज़रत हज़र बकरी का तर्ज अमल था उसी तरह से हजरत उमर का भी यही अमल था हज़रत उमर ने खलीफा वक्त होने की ऐसी से एक काजी को ख़त भी लिखा कि अगर आप किताब अल्लाह में कोई हुक्म पाएं तो इसके मुताबिक फ़ैसला करें इसकी मौजूदगी में दूसरी चीज़ की तरफ तो ना दें लेकिन अगर मामला किताब अल्लाह की रोशनी में नहीं मिलता तो इसका फ़ैसला कानून के मुताबिक पढ़ें जिस करें जिस पर अजमा मनकद हो चुका हो फिर खलीफा सोम यानी हज़रत उस्मान की राय को देखें हज़रत उस्मान के पास के पास एक दफ़ा एक औरत का इद्दत का मसला पेश आया तो हज़रत उस्मान ने कहा कि औरत जहाँ चाहे वहाँ इद्दत गुजार ले यानी चाहे अपने मैके में या अपने ससुराल में या शौहर के घर अपने इद्दत गुजार ले। लेकिन जब अबू सईद खुदरी की बहन बिन तमालिक ने अपना वाक़ पेश किया कि मेरा शोहर कतल हो गया था तो मैंने रसोल्ला वसम के सामने दरियाफ़्त किया तो आप सलील वसम ने शौहर के मकाम पर मकान पर इदत गुजारने का हुक्म दिया तो उस्मान ने इस रिवायत के मुताबिक उसका फ़ैसला किया फिर खलीफा हज़रत अली को देख लें अली के पास एक दफ़ा चंद मुर्द लाए मुरतद किसे कहते हैं जिस जो ईमान इस्लाम से फिर गया हो उसे मुर्तद कहते हैं तो चंद मुर्तद लाए गए तो आपने उनको जलाने का हुक्म दिया तो इब्ने अब्बास ने हदीस पेश की कि हँर सल्ह वसल्लम ने किसी को भी आग का अज़ाब देने से मना फरमाया तो हज़ अली ने सुनकर फरमाया कि इब्ने अब्बास सच कहते हैं तो ये था खुरफ़ राशिदीन का तर्ज अमल जो इन्होंने हदीस मुबारक की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के जितने भी फैसले थे एक खलीफा होने के हवाले से तो उन्होंने हदीस की रोशनी में तमाम फैसले सर अंजाम दिए फिर आगे हम देखते हैं कि आयमा अरबा का हदीस के हवाले से क्या तर्ज अमल है आयमा आयमा के आयमा अरबा हम चार हैं आयमा कराम उनमें इमाम अबू हनीफा हैं इमाम मालिक हैं इमाम अहमद बिन हबल हैं और इमाम शाफी हैं इमाम एह, इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जो बात हजूर सल्ला वसल्म से मनकूल है वो बसर चश्मे तस्लीम है फिर वो इमाम अबू हनीफा एक और जगह फरमाते हैं जब सही हदीस मौजूद हो तो मेरा मज़हब भी वही है फिर इमाम मालिक का क्या तर्ज़ एम इमाम मालिक रम्ला ने रोज़ नबी की तरफ़ इशारा करते हुए फरमाया हर शख्स की बात तस्लीम की जा सकती है अगर दुरुस्त हो और इसे ठुकराया जा सकता है जबकि वह दुरुस्त ना हो और इस रोज़े वाले की बात को तर्क नहीं किया जा सकता ये हज़रत इमाम मालिक का कॉल है फिर आगे इमाम शाफ़ी इमाम शाफी इस बारे में क्या फरमाते हैं इस बात पर तमाम मुसलमानों का आजमा है कि जब रसोल वसलम की सुनत सामने आ जाए फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रहती कि इसको किसी शख्स के कॉल की बिना पर तर्क किया जाए फिर इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रोका रद्द किया वो तबाह के किनारे पर पहुंच गया और तमाम इस्लामी फ़िरकों के नज़दीक जो है हदीस नबवी काबिल हजरत और वाजिबुल अमल है यह था आयम कराम का अमल जो हदीस के हवाले से अपनी ज़िंदगी में किसी के भी कॉल को अहमियत नहीं देते जब तक हज़रत मुहम्मद हजम की हदीस मुबारक उनके पास मौजूद है तो फिर वो हदीस मुबारक के मुतालिक ही फ़ैसला करते हैं फिर आगे हदीस की तारीख़ी अहमियत भी क्या है तारीख़ी अहमियत हदीस की यह है कि हदीस के हदीस का जब हम मुताल करेंगे तो हमें अदीस के जरिए ही हज़म सल्लम की पूरी ज़िंदगी का जो अहवाल हैं वो हमें मिलते हैं जाके जैसा कि हज़म ने दीनी अहकाम और अहकाम शरीत वगैरह ये सब भी हजूर की अदीस वगैरह में हमें मिलते हैं गज्बात आपने कितने लड़े और आपके आदात पसंद नापसंद अजवाद मतहर के साथ तर्ज अमल और आम ज़िंदगी का तर्ज़मल और दोस्तों और दुश्मनों के साथ आपका रवैया किस तरह से था और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बसर करते थे ये तमाम भी हमें अदीस मुबारक से इसका पता चलता है तो एक और हदीस में सलम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ अगर तुम इन पर अमल पैरा रहोगे तो गुमराह नहीं होगे यानी वो किताब और मेरी सुनत है अब हिफाजत हदीस का क्या तरीका था हिफाजत हदीस जिस तरह से कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे लिया है कि उसमें क्या मत तक तो किसी भी किस्म की कोई गलती या कोई तब्दीली वगैरह नहीं की जा सकती इसी तरह हिफाजत हदीस का हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह लिया है इसी तरह से जिस तरह से कुरान पाक को महफूज किया गया इसी तरह से हदीस को भी महफूज किया गया जब हजमबलम अपनी हदीस की रिवायत वगैरह करते थे तो आपका तरीका तर्जमल ये था कि आप उसको ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता उसको बयान करते ताकि सुनने वाले को अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए और उसको जहन नशीन हो जाए और बज़ दफ़ा तो ऐसा होता था अक्सर ऐसा होता था कि आप बात को तीन दफ़ा दोहराते ताकि सुनने वाले को बेहतर तरीके से उसको याद हो जाए फिर साहबा कराम का साहबा कराम इस तक कहते हैं कि जब हजम कोई हदीस बयान कर रहे होते तो हम इस तरह बैठ बैठते कि अगर हमारे सर पर कवे कवा या कोई परिंदा वगैरह भी हमारे सर पर आकर बैठ जाता तो हमें पता ना चलता और हाँ, जब हज़ी वसलम कोई हदीस बयान करते तो हजूर जब बाहर जाते तो जब उनके वापस आने तक हमें हदीस इस हद तक याद हो जाती कि हमारे जैसे हमारे दिल पर नक्श हो गई हो फिर एक और मौके पर साहबा को ख़ताब करते हुए हजर मोहम्मद वसल्लम ने फ़रमाया तुम मेरी बातें सुनते हो ये बातें तुमसे सुनी जाएंगी और तुम सुनेगा तो उससे सुनी जाएंगी और एक और जगह पर आप ने फरमाया कि उस आदमी के लिए जहनम की वईद है जो आप की तरफ़ गलत बातें मंसूब करने का मरतकब होगा आपल्म ने फरमाया जिसने जानबूझ कर मुझ पर झूठ बोला तो वो अपना ठिकाना जहनम बना ले फिर हदीस मुबारका को और किस तरीके से महफूज किया गया कि साहबा के राम का ये तर, तरीका था कि जब हज़म कोई हदीस बयान करते तो उसको लिख लिया करते थे लेकिन जब कुरान पा एक तो कुरान पाक का जब नाजिल हुआ उसका आगाज हुआ तो आप के जो कुछ सहाबी थे वो कुरान पाक को भी लिख लिख लिया करते थे आपने कुरान पाक को लिखने का हुक्म दिया और ताकि वो महफूज रहे और हदीसी मुबारक भी बात सहाबा कर जो थे वो लिख लिया करते थे लेकिन आप सल्ला वसम ने फिर आपको कुछ भी लिखने सहबा कर को कुछ भी लिखने से मना कर दिया क्योंकि वो कुरान पाक के आ, आ, नाजिल होने का आगाज था तो सहाबा कर हदीस में और कुरान पाक में फ़र्क नहीं कर पाते थे लेकिन जब सबक राम को हदीस में और कुरान पाक में अच्छे तरीके से फ़र्क वाजे हो गया तो आप सल्ला वम ने उनको लिखने का हुक्म दिया तो सबक कराम आप की हदीस को लिख लिया करते थे तो एक बार आप जो साहबा कराम हदीस लिखते थे आपने उनको मना फ़रमाया तो आप ने इशाद फरमाया कि मुझसे कुरान के अलावा कुछ ना लिखो जिसने कुरान के अलावा मुझसे कोई बात लिखी हो वो इसे मिटा दे क्योंकि आप को ये खदशा था कि कुरने पाक औरदीस मुबारका जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाएँ तो कोई ग़लती ना हो जाए तो जब आप सबक राम को कुरन और हदीस में फ़र्क मालूम होने लगा तो आपने उनको लिखने की इजाज़त दे दी कि मेरी बातें लिख लिया करो क्योंकि इस जबान से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता जैसे कि शाद खुदाबंदी है मा यंतिकुआन होवा इन यूहा फिर किताबत हदीस के हवाले से किताबत हदीस यानी लिखने का हदीस को लिखने के हवाले से सबक राम का जो तरीका था वो सहाबा राम लिख लिया करते थे बहुत से सहाबा राम जो थे वो वह के साथ उन्होंने रहे ज़्यादातर और वो वह की हर बात को लिख लिया करते थे उनमें सबसे पहले जो हैं हज़रत अब्दुल्लामर बिन उमर बिन आस हैं वो हज़रत हज़र महमद् वसलम की हदीसें लिख लिया करते थे इमाम बुखारी में हज़रत अबू हरारा से रवायत है कि मुझसे ज़्यादा किसी सहाबी को हदीसें याद नहीं थी सिवाय अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस के क्योंकि वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था फिर हज़रत अबू हुरारा बयान करते हैं कि फ़तेह मक् के साल रसोल करमल मक् शरीफ की इज़्ज़त हरमत के बारे में ख़ुबा दिया जिसे सुनकर यमन के एक शख्स अबू शाह ने रसोल्ला सल्ला वल् से यह दरख्वात की कि यह बातें मुझसे मुझे, मुझे लिखवा कर दीजिए चनाचा आप सलील वसम नेहाबा से उसे लिखवा कर दिया पे हज़रत अली भी कुछ अपनी यादाश के तौर पर कुछ अहदीस जो थे वह अपनी तलवार के नयामें रख लिया करते थे और कुछ अहकाम जो थे यानी ज़क़त दियत और कसास वग़ैरह के अहकाम जो थे वो एक दफ़ा हज़रत अली से किसी ने पूछा तो आपने अपनी नयाम से तलवार के नयाम से आपने निकाल कर उनको वो तहरीर दिखाई फिर और भी बहुत से दावतनामे हैं या ख़तूत वगैरह हैं जो आपने मुख्तु बादशाहों को लिखे जैसे फरमा रवा को और मिस्र शाम एरान और बहुत से हुक्रानों को आपने वो लिखे जो आज भी दुनिया की लाइब्रेरी में वो मौजूद हैं एक आ, और भी बहुत से ऐसे खतूत वगैरह हैं जिनसे आप सल्लम की अदीस का हमें पता चलता है फिर इसी हवाले से अहद सबक रामे भी अदीस का बहुत बड़ा मजमु जो था वो तैयार हो चुका था जो आप सल्लम की अदीस को महफूज किए हुए हैं फिर अदीस के बहुत से मजमू हैं जैसे हजरत अबू हुरारा का मजमू जो सहीफ हमाम मम्बा कहलाता है और हजरत जैन जैद बिन सबित का मजमू हज़रत अली के सहीफ़े जो हैं वो भी हजरत सल्लम की अहादीस के बारे में लिखा गया एक सहीफ़ा उनके पास मौजूद है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के का मजमु भी उनके बेटे के पास महफूज है और हज़रत समरा बिन जुंदब हैं हज़रत अबू मुसाशरी हज़रत आयशा के दो हज़ार दो सौ दस रिवायात नकल हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जमा की हुई अदीस मौजूद हैं और अनस बिन मालिक की रिवायत करदा तादाद अदीस की तादाद भी बारह सौ छियासी है हज़रत अबू सैद खुदरी की तादा रवायत करदा तादाद भी एक हज़ार एक सौ सत्तर है इसी तरह से मतलब जो सीना बा सीना मुंतकिल होती रही अदीस वो एक महफूज होती चली गई और अदीस को भी महफूज बेहतरीन तरीके से जो अदीस जो हैं वो हम तक महफूज जराए से हम तक पहुँची हैं जिसमें किसी भी किस्म की गलती का इमकान नहीं हो सकता जी ये था हमारा आज का लेक्चर अख्तितम पीर हुआ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज